और आज बात 9 घंटे के उस पाताल भेदी ऑपरेशन की जिसने पूरे देश की सांसें चढ़ा दी, क्योंकि 4 साल का शिवा 130 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ था। दुआओं का दौर चल रहा था, दूसरी तरफ सेना एनडीआरएफ के साथ मिलकर रोंगटे खड़े कर देने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी थी। ये सेना की मेहनत और लोगों की दुआओं का असर था कि 4 साल का शिवा पाताल विजय कर सुरक्षित लौट आया। लेकिन कैसे हुआ ये सफल ऑपरेशन, इस रिपोर्ट में देखिए। बच्चे को निकाल लिया गया है, बड़ी कामयाबी आप दे सकते हैं कि किस तरीके से अब बच्चे को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है। 130 फीट नीचे जिंदगी की जंग, 9.5 घंटे का रोंगटे खड़े करने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन, 4 साल का बच्चा और बोरवेल का गहरा गड्ढा। ये डर और दहशत के बीच सेना के उस जुनून की दास्तान है जिसने 130 फीट गहरे बोरवेल में फंसे 4 साल की शिवा को जिंदा बाहर निकाल लिया। लेकिन शिवा को बचाने का यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। सुबह करीब 7:30 बजे शिवा घर के पास खेल रहा था, तभी खेलते खेलते वो बोरवेल में गिर गया। और जैसे बच्चे के बोरवेल में गिरने की खबर आई, प्रशासन तुरंत हरकत में आया। देखते ही देखते सेना, एनडीआरएफ और पुलिस तीनों ने मोर्चा संभाल लिया। बच्चे को निकाल लिया गया है, बड़ी कामयाबी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब बच्चे को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि लगातार उत्साहवर्धन के लिए तालियां बजाई जा रही हैं। बच्चा 130 फीट गहरे बोरवेल में फंसा था, ऐसे में सबसे पहले जरूरत थी ऑक्सीजन की। सेना ने सबसे पहले बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाई। लेकिन ये ऑपरेशन इतना बड़ा था कि सेना सिर्फ एक प्लान पर काम करने का रिस्क नहीं ले सकती थी। सेना ने शिवा को बाहर निकालने के लिए 3 प्लान बनाए। प्लान ए, बच्चे को रस्सी के सहारे बाहर निकालना। प्लान बी, गड्ढे के पास एक और गड्ढा खोदना। प्लान सी, मशीन के जरिए एक बड़ा होल बनाना। लेकिन सेना का पहला प्लान ही काम कर गया, प्लान बी और सी की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तीनों प्लान लेकर के चले हुए थे। हाँ, डेफिनेटली हमारा प्लान ए ही सक्सेस हो गया। ये एक टिपिकल अप्रोच थी जिसमें हमने एक रस्से के थ्रू लूप लगा करके बच्चे के हाथ को एंकर किया और फिर हमने उसको ऑक्सीजन सप्लाई साथ में देते हुए कैमरे की पोजीशनिंग के अंदर लिफ्ट करके ऊपर निकाला है। बहुत मुश्किल प्रोसीजर था। इसके अंदर बच्चे के नेक को, बच्चे के हेड को, उसके शोल्डर को या हाथ को तकलीफ हो सकती थी। जहाँ एक तरफ सेना और एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, तो वही दूसरी तरफ शिवा को बचाने के लिए हवन के जरिए दुआएं हो रही थी। 9.5 घंटे की मशक्कत के बाद सेना की मेहनत रंग लाई और शिवा को सुरक्षित 130 फीट गहरे पाताल से निकाला गया। अब जो शिवा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से लगातार उसको अब एम्बुलेंस के जरिए उसको एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है और वहाँ उसका कहा जाए जो उसको फर्स्ट एड दी जाएगी। लेकिन कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, 9 घंटे जरूर जिंदगी मौत से वो लगातार उसने संघर्ष किया है, लेकिन अब शिवा पूरी तरह सुरक्षित है और जल्द ही वो घर वापसी करेगा। इस ऑपरेशन में सेना और एनडीआरएफ की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि बिना रुके बिना थके तय वक्त से कम वक्त में जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया वो वाकई काबिले तारीफ है। हमारी टीम्स ने, हमारी एनडीआरएफ टीम एंड एसएसपी आगरा सब ने मिल के हमने वहाँ पे 2-way कैमरा डाला, कम्युनिकेशन को देखते हुए बहुत क्रिटिकली उस बोरवेल से बच्चे को लूप बना के उसके हाथ में फंसाया और धीरे धीरे करके उसको निकाला। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, अगर थोड़ी सी भी गलती होती उसके सर पे मिट्टी केबिन हो जाती और वो शायद नहीं बच पाता। ऑक्सीजन के लिए इनिशियली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ गए थे और वहाँ से 100 फीट नीचे पाइप डाल के ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन किया गया, कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर किया गया। और साथ ही यही नहीं, जो डॉक्टर्स हमारे आर्मी से आए थे, हमारे डॉक्टर्स ने ORS मिक्स करके पाइप के थ्रू बच्चे को सप्लाई करते रहे जिसके कारण बच्चे में एनर्जी रही। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि लोग हादसों से कब सीखेंगे। आगे गांव में किसी भी तरह की कोई बोरिंग होगी तो गड्ढा ऐसे ही खुला छोड़ेंगे क्या आप लोग? नहीं भैया, कहते हैं कि जान से ज्यादा प्यारा होते हैं बच्चे ज्यादा प्यारे होते हैं। ये गलती हुई कैसे? ये बहुत बड़ा सबक है। जिंदा खुले रख रहा है, खुले रख, आगे से ध्यान रखेंगे। हाँ भैया बताऊँ, ध्यान रखेंगे। क्योंकि ये कोई पहला हादसा नहीं था जब कोई बच्चा बोरवेल में गिरा हो।
शिवा से पहले प्रिंस और प्रिंस से पहले कई बच्चे बोरवेल में गिर चुके हैं, लेकिन कभी इन हादसों से सबक नहीं लिया गया, क्योंकि लोग बोरवेल गड्ढे को खुदवाते तो हैं, लेकिन उन्हें बंद करना भूल जाते हैं और यही वजह है कि ऐसे हादसे बार बार सामने आते हैं। आगरा से एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और अब बात मंदिर से पहले महाभारत की। जमीन खरीद के मामले में राम मंदिर ट्रस्ट सवालों में है और ये ऐसा वैसा सवाल नहीं है, इसने सूबे की राजनीति में भूचाल ला दिया है। समूचा विपक्ष एकजुट होकर सवाल उठा रहा है कि जो जमीन 2 करोड़ की थी वो ट्रस्ट ने 18 करोड़ में कैसे खरीदी। हालांकि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस आरोप को राजनीति से प्रेरित बताया है, लेकिन इतना कहने से काम बनता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि बात राम मंदिर से जुड़ी। मंदिर निर्माण से पहले जमीन कांड। 2 करोड़ की जमीन, 18 करोड़ का बैनामा। मंदिर के ट्रस्ट पर सवार, सियासत में मचा बवाल। ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। एक आरोप लग रहा है लखनऊ से लेकर यहाँ तक जानकारी हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। लाखों करोड़ों राम भक्त इस इंतजार में हैं कि कब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा, कब अयोध्या का एक सिरा भगवान राम से शुरू होकर दूसरा सिरा मंदिर परिसर के साथ खत्म होगा। लेकिन मंदिर निर्माण से पहले ऐसी हलचल मची है कि सियासत में भूचाल आ चुका है, क्योंकि शुरू से ही राम मंदिर सियासत के चिंतन का बड़ा केंद्र रहा है। लेकिन इस बार केंद्र में राम मंदिर नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट है, क्योंकि जिस ट्रस्ट पर मंदिर बनाने की जिम्मेदारी थी उस पर आरोप लगे हैं कि उसने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीद ली और ये सारा लेन देन उस चंदे के पैसे से हुआ जो भक्तों ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिया था। 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकेंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी। लेकिन राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट में 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए महंगी करके जमीन खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए। मामला राम मंदिर और उसके ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है तो समूचा विपक्ष कूद आया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव सब ने बारी बारी से इस पर निशाना साधा, लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सारे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। अभी राजनीतिक साजिश है या जानबूझकर किया गया घपला, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये मामला धन शोधन के साथ साथ अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के उन हस्ताक्षर से जुड़ा है जो 2 करोड़ की जमीन के कागज पर भी मौजूद है और 18.5 करोड़ के बैनामे पर भी। ये बात किसी को समझ नहीं आ रही है कि जो जमीन 18 मार्च 2021 की शाम 5:22 पर 2 करोड़ की थी, वो 10 मिनट बाद कैसे 18.5 करोड़ की हो गई। हैरान करने वाली बात ये है कि एग्रीमेंट और बैनामा दोनों में ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह। अब ये गवाही सच्ची या झूठी, ये जांच का विषय है। लेकिन इन सब के बीच विवादित जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अपना दावा ठोक कर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रतापगढ़ के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत के बाद हड़कंप मच गया। पत्रकार की पत्नी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही सुलभ की जान को खतरा भी बताया। वहीं आरोपों के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही परिवार को सुरक्षा भी मुहैया कराई है। पूछो उससे भरवाया।
रात के अंधेरे में घटी घटना, पत्रकार की हादसे में हुई मौत, मौत पर पत्नी ने उठाई सवाल, हादसा या साजिश। प्रतापगढ़ में एबीपी गंगा की संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की मौत की खबर जैसे ही आई वैसे ही हड़कंप मच गया। परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सच को उजागर करने की मुहिम के सच्चे सिपाही सुलभ श्रीवास्तव देर शाम एक खबर के लिए निकले थे, जिसके बाद परिवार वालों को मिली सूचना कि सुलभ श्रीवास्तव को एक्सीडेंट हो गया और बाइक पलटने से सिर में गंभीर चोटें आई हैं। आनन फानन में सुलभ श्रीवास्तव को अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान सुलभ श्रीवास्तव की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल में पत्रकारों के साथ साथ पुलिस के अधिकारियों का जमावड़ा लग गया। पुलिस ने इसे हादसा करार दिया। तो अभी प्रथम दृष्टया लग रहा, लेकिन उसके बाद भी जो बातें बताई गई हैं कि इनकी जान को अंदेशा था, इन्होंने कुछ खबरें चलाई थी, अगर उसे लेकर कहीं किसी का दोष परिलक्षित होगा या कुछ रिकॉर्ड सामने आएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। मौत पर परिवार ने उठाई सवाल, साजिश की तरफ किया इशारा। मौत की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची कोहराम मच गया। पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की पत्नी रेणुका ने इसे हादसा नहीं बल्कि साजिश करार देते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मर्डर केस हम समझते हैं, लेकिन हम ये पक्का भी नहीं कह सकते हैं, बस ये मेरी सोच हमको लगता है ऐसा। मतलब आपको आशंका इस बात की है कि ये हादसा नहीं हुआ है, हत्या है सीधे तौर पर? जी जी जी, हमको ये आशंका है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक हत्या है और हम इससे सीबीआई से जांच मांगते हैं। दरअसल रेणुका श्रीवास्तव का आरोप है कि खबर चलाने के बाद से लगातार सुलभ परेशान रहने लगी थी। इसका जिक्र कई बार उन्होंने अपनी पत्नी से किया था कि उनको धमकी मिल रही है। यही नहीं, रेणुका का कहना है कि खुद की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी और इसके लिए आला अधिकारियों को लेटर भी लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, हम लोग से तो कोई मिसबिहेव नहीं करते थे, लेकिन वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब थे, जैसे बैठे रहते थे तो हम पूछते क्या हुआ, निकी पापा कोई बात हुई तो कहे अरे कोई न्यूज़, शायद ये नहीं पता कौन सी न्यूज़ थी क्या न्यूज़ थी, कोई न्यूज़ वो चलाए थे जिससे वो थोड़ा सा परेशान थे, लोग उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते थे, उनको लगता था कि जैसे हम जा रहे हैं तुम्हारे लोग पीछा कर रहे हैं, और उन्होंने इसीलिए एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन उस एप्लीकेशन का कोई किसी ने मान ही नहीं रखा, ना उनको कोई सुरक्षा दी गई, उसी कारण से आज वो हम लोग के पास नहीं रहे। अगर उनकी इस बात को मानी जाती, सब लोगों ने ध्यान देते तो आज वो हम लोग के पास होते। रेणुका लगातार अपने पति की हत्या को साजिश करार दे रही है। साथ ही रेणुका की मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और उनके परिवार को भी सुरक्षा दी जाए। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर पत्रकार यूनियन ने विरोध प्रदर्शन करते हुए न्याय की गुहार लगाई। इस मामले को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं एबीपी गंगा पर जैसे ही खबर चली, अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई। यही नहीं, परिवार को सुरक्षा भी मुहैया कराने के आदेश दे दिए गए हैं। ये जहां से भी कहेंगे, जिस एजेंसी पे इनको भरोसा होगा, अभी जैसे दाह संस्कार हो जाएगा उसके बाद इनकी पत्नी से और जो इनके परिजन है और जो प्रेस क्लब के साथी हैं उनसे बातचीत कर ली जाएगी, जिसमें संतुष्ट होंगे उस तरह की जाँच की जाएगी, क्योंकि पुलिस के काफ़ी बेहद करीब रहे, लगातार हम लोगों से बातचीत होती रहती थी, तो कोई भी बात इनके जो परिवार से वो छुपी नहीं है। अगर इनको लगता है कि कहीं किसी पर शक जाहिर करेंगे तो बिल्कुल वहां पर विवेचना हटा दी जाएगी, दूसरी जगह से की जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने इस मामले में साफ कर दिया है कि परिवार जिस तरह चाहे मामले की जाँच उसी तरह की जाएगी। सीबीआई जाँच की लिखित मांग होने पर उसे शासन को भेजा जाएगा। परिवार का ये कहना है कि उनकी मृत्यु जो है कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि उसमें उसके पीछे उसकी जांच कराई जाए। उन्होंने इस जांच के लिए हमें अपना ज्ञापन भी दिया है और उसके अतिरिक्त उनके द्वारा अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी सपोर्ट करने के लिए और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए और आगे की उनके जीवन के लिए एक नौकरी की मांग की गई है। इन सभी मांगों पर विचार करते हुए, इन सब पे शासन को संदर्भित करते हुए जितनी ज्यादा से ज्यादा हम सहायता करा सकते हैं वो हम सहायता कराएंगे। फिलहाल जो आरोप रेणुका की तरफ से लगाई जा रही है बेहद गंभीर है। अगर वाकई सुलभ ने बार बार अपनी जान को खतरा बताया था और सुरक्षा देने की मांग की थी तो पुलिस प्रशासन ने उनकी क्यों नहीं सुनी? और अब पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा की मांग वाला पत्र कल ही एडीजी को मिला। खैर, पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की पत्नी रेणुका के आरोपों की जाँच होनी चाहिए कि क्या वाकई ये हादसा है या फिर कोई साजिश। एबीपी गंगा के लिए प्रतापगढ़ से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। हाईवे के उस यमराज कट की जो अब तक सैकड़ों हादसे करा चुका है और हजारों लोगों की जान को मुश्किल में डाल रहा है,
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं NH9 की, जिसका एक कट गाजियाबाद के विजयनगर को नोएडा के सेक्टर 62 से जोड़ता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ ना कोई कट है ना कोई फुटओवर ब्रिज। यही वजह है कि लोग अपनी जान मुश्किल में डालते हैं और हादसे का शिकार होते हैं। हादसे वाले हाईवे से सावधान। खतरे में जान, कहां जाए इंसान। तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां और इन गाड़ियों के बीच सड़क को फांद कर पार करते ही लोग, देखने में किसी फिल्म का स्टंट सरीखा लगता है, लेकिन यहां एक बार एक्शन के बाद कोई रिटेक नहीं होता। ये गाजियाबाद के नेशनल हाईवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का वो नजारा है, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। नोएडा के सेक्टर 62 और गाजियाबाद के विजयनगर को जोड़ने वाला ये कट अब तक सैकड़ों लोगों की जान ले चुका है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक प्रशासन इस पर अनजान बना हुआ है। प्रशासन ने हाईवे तो बना दिया, लेकिन ब्रिज बनाना भूल गए और अब एक पार से दूसरी तरफ जाने के लिए न कोई कट है और न कोई रास्ता। हम इस समय मौजूद हैं NH9 पर और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है NH9 की और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस हाईवे को जो लोग हैं वह पार कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। यहाँ पार करने की वजह से कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं और कई लोगों की इसमें जान जा चुकी है। ये NH9 का वो डरावना सच है जिसे वहाँ के लोग भी जानते हैं और समझते भी हैं कि वो जिस रास्ते से रोज गुजरते हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि जो कट है वो कई किलोमीटर आगे है। क्या नाम है आपका? आप अभी सड़क पार करके आएंगे? ममता। सड़क पार करके आएंगे? ममता राम है। सड़क पार की आपने क्यों की है? यार कस करूं? देखिए, इनके पास सही बात यह है कि यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों लोगों की जाने जा चुकी हैं उसकी वजह से गाजियाबाद पुलिस जागी है और गाजियाबाद पुलिस ने एक लेटर लिखा NH9 को। इसको लेकर गाजियाबाद यातायात पुलिस ने NHAI को पत्र लिखा, लेकिन लोगों की जान सुरक्षित हो ऐसा कोई जवाब अभी तक नहीं आया। NH9 एक बहुत महत्वपूर्ण हाईवे है, कई लेन का हाईवे है और इस पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है, लेकिन दो पॉइंट पर, एक सेक्टर 62 और एक विजयनगर के पास, जो नोएडा साइड से पब्लिक जो हाईवे क्रॉस करके ऊपर से रेलिंग क्रॉस करके आ जाती है, डिवाइडर को क्रॉस कर देती है, इसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस पर हमारे द्वारा NHAI को कई बार लेटर भी लिखा गया है कि बीच में या तो जाली लगा दें या उसको रेलिंग और ऊँचा उठा दें ताकि उधर से पब्लिक कूद करके दूसरे साइड में ना आने पाए, जिससे एक्सीडेंट को रोका जा सके। NHAI ने कहा है कि हम इस पे काम कर भी रहे हैं और जल्दी इस पे रेलिंग लगाने की बात वो कर रहे हैं। दरअसल NH9 के इस कट पर या तो प्रशासन को कोई ब्रिज बना देना चाहिए या फिर इन कंक्रीट की दीवार को रेलिंग लगाकर और ऊंचा कर देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई हादसा न हो। गाजियाबाद से ABP गंगा के लिए शक्ति सिंह की रिपोर्ट।